नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक ईजी चैनल। मेहुल शंकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यू टेक ईजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सीख रहे थे फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप के तमाम मेन्यूज के बारे में हम सीख रहे थे। मेन्यूज के कई ऑप्शन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लाइंडिंग ऑप्शन का जो यूज करके हम कैसे एक मेटल इफेक्ट तैयार कर सकते हैं, मेटल इफेक्ट टेक्स तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लाइंडिंग ऑप्शन का यूज करके कैसे आप शेडो तैयार कर सकते हैं, एक इमेज का शेडो तैयार कर सकते हैं, उसकी छाया, उसकी परछाई तैयार कर सकते हैं ब्लाइंडिंग ऑप्शन के यूज से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो किसी इमेज का शेडो और छाया तैयार करना क्यों जरूरी होता है? मान लीजिए आप कहीं पर दौड़ रहे हैं या फिर कहीं पर खड़े हैं और एक तरफ से आप बाहर खड़े हैं, तो एक तरफ से आपके सूरज की जो परछाई आ रही है थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, तो जब आप उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करते हो और दूसरे बैकग्राउंड पर लेकर जाते हो और वहां पर उसके आप शेडो नहीं बनाते हो, तो लोगों को सिर्फ यही लगता है या फिर कोई भी आपकी इमेज को देखकर ये बता देगा सिर्फ ये कि एक क्रिएटेशन है और ये सिर्फ बनाई हुई एक इमेज है, क्योंकि यदि इमेज ये रियल होती तो इस पर इसकी शेडो, इसकी छाया, उसकी परछाई जरूर होती। लेकिन वहां पर यदि आप परछाई नहीं देते हो तो आपका लुक जो है बिगड़ जाता है, सारा ही बहुत ही खराब लगने लग जाता है और आप गिल्टी फील करने लग जाते हो, क्योंकि हमें जो है पूरी काम जो है फोटोशॉप में ध्यान से करना होता है। एक एक चीज बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें अपनी फोटो में जो रियलिटी है वो पूरी अच्छी तरह से दिखानी होती है, पूरी अच्छी तरह से समझाना होता है कि इस तरह से इस फोटो को मैंने कट किया है, डेकोरेट किया है, लेकिन ये डेकोरेट की हुई नहीं लगनी चाहिए, डेकोरेट करते हुए भी डेकोरेट करती हुई नहीं लगनी चाहिए कि इस फोटो को डेकोरेट किया गया है या इसको सजाया गया है, इसकी एडिटिंग की गई है। इसके लिए सारे ऑप्शंस का बारीकी से सीखना बहुत जरूरी है, इन ऑप्शंस के बारीक को आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हर एक चैप्टर वाइज मैं आपके लिए देकर चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को इस लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का जो आइकन है इस तरह से आपके सामने आएगा और इसको इस पर इस तरह से क्लिक करके आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करते ही देखिए पास में इसके दो है जो लाइनें आ चुकी है, वो तो इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन आइकन ऑन हो चुका है, मतलब आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन अब मिलना स्टार्ट हो जाएगी, सूचनाएं मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। देखिए जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आपके सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह ओपन हो जाएंगे और यदि आप फोन से करें तो व्हाट्सएप भी इसमें आ जाएगा। और यहाँ से तो फिर पता है आपको वीडियो देखना है, यदि आपके जो वीडियो की क्वालिटी है वो आपको कम दिखाई दे रही है तो क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्वालिटी पर करके आपको ये 420 पिक्सल करना है और 480 पिक्सल करना है। यदि 480 पिक्सल से भी आपको ज्यादा चाहिए तो 720 पिक्सल फुल HD हो जाती है। तो फुल HD पर जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से देखिए फुल HD आपको दिखाई देगा, जो मेरा पिछला वीडियो था इस तरह से देखिए लग रहा है, तो आपको देखिए इस तरह से फुल HD में ओपन होगा। और अब चलते हैं अपने फोटोशॉप पर और सीखते हैं हम आपके आज के सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं फोटोशॉप में और अब मैं बताता हूँ कि आपको एक इमेज सामने दिखाई दे रही होगी। अब इस इमेज को दूसरी कोई नई फाइल पर लेकर चलता हूँ मैं, यहाँ से आपको मूव टूल से उठाना है इसको, यहाँ पर लाकर रख देना है और कंट्रोल टी प्रेस करना है और कंट्रोल टी प्रेस करके आपको सिंपली इसको थोड़ा बड़ा कर लेना अच्छे से समझने के लिए और एंटर दे देना है। एंटर देते ही इस तरह से आपके सामने ये फोटो आ चुकी है और ये तस्वीर जिस तरह से आ चुकी है, इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि इस पर शेडो होना चाहिए, क्योंकि भागते समय आपकी छाया देखिए मॉर्निंग में होनी चाहिए थी। यदि आप सोच रहे हैं कि यार नहीं होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके देखिए पाँव पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है शेडो पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए छाया इस तरह से जो पाँव है जो पैर है वो थोड़े से कलर में दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से लाइटिंग में दिखाई दे रहे हो, इस तरह से थोड़े काले दिखाई दे रहे हैं और इसका कारण है कि इधर की ओर जो है परछाई आ रही है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे इस तरह से थोड़ी लाइटन दिखाई दे रहा है और इस तरह से थोड़ा डार्कन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब परछाई इस तरफ पड़ रही है, इधर की इस एरिया पर पड़ रही है। तो यहाँ से हम परछाई जो है इस पर शेडो जो है क्रिएट करेंगे और ये जो क्रिएटेशन है शेडो का वो आपको ही दिमाग लगा के करना होगा, क्योंकि कई बार हम कहीं खड़े होते हैं तो जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ से हमें ध्यान से देखना होता है कि हमारी परछाई किस तरफ हमें क्रिएट करनी है, कहाँ पर है, किस तरफ हमें अपनी परछाई जो है बनानी है, शेडो जो है क्रिएट करनी है। तो इसका बात का आपको खुद को ही ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, इस लेयर पर जो आप अभी लेकर आए हैं उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको ब्लाइंडिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ब्लाइंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करोगे इस तरह का जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो कि कई बार मैंने बताए हैं, और उस पर क्या करना है आपको इस ड्रॉप शेडो पर क्लिक कर देना है। यदि आप फोटोशॉप का और वर्जन यूज करें तो उसमें शायद नीचे आएगा ड्रॉप शेडो, तो आप वहां से ड्रॉप शेडो पर क्लिक कर लीजिए।
ये मत सोचिए कि इसमें ऊपर दिखाई दे रहा तो आपके में भी ऊपर ही दिखाई देगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप शेडो पर, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए एक शेडो क्रिएट होकर आ चुका है। इसको फिर से वहीं पर रहने दीजिए और इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से आप इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी को थोड़ा ध्यान में रखना होगा आपको, थोड़ी देखिए इसको बाहर निकाल कर। अब आप इसकी ओपेसिटी वगैरह कम कर लीजिए कि छाया कितनी चाहिए आपको। मेरे हिसाब से इतनी छाया काफी होगी, क्योंकि फिर ज्यादा ओवर हो जाएगा, अच्छी नहीं लगेगी। देखिए इतनी छाया काफी होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली ही आपको यहाँ से बस और कुछ नहीं करना, और इसको ओके पर क्लिक कर देना है। लेकिन ओके पर क्लिक करने पर पहले एक दो बातें ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर जो स्प्रेड का क्लिक करते हो आप, इसको थोड़ा बहुत जो बुलर वगैरह कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से। बाकी बुलर का अलग ऑप्शन हो रहा है, स्प्रेड कर सकते हो। यहाँ से इसकी साइज रिसाइज को आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। देखिए आपकी परछाई कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट तो होगी नहीं, इस तरह से आपकी बॉडी की तरह बन जाएगी। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी साइज में देनी है, ताकि आपकी जो परछाई की तरह जो इसकी रेस है वो निकल कर आए, और आपकी परछाई एकदम बिल्कुल ही जो आपकी स्ट्रक्चर की तरह, तो आपकी परछाई होती नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी इस तरह से होनी चाहिए, बुलर साइज से होनी चाहिए। इस तरह से देखिए, इस तरह की होनी चाहिए, आप परछाई पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद में क्या करना है आपको, इसको थोड़ा और कम कर दीजिए, मुझे लगता है थोड़ा और हो गया, इतना रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, यदि आपको डिजाइनिंग वगैरह करनी है यहाँ से, या फिर शेडो को। तो कई कई बार इस तरह की शेडो भी हमें चाहिए होती है, कि मूर्ति वगैरह की शेडो है, या फिर जो आपकी जो पत्थर वगैरह स्टोन वगैरह की कोई जो परछाई बनानी होती है, उस समय हमें इस तरह की यूज लेने पड़ते हैं। ये जो काउंटर्स आप देख रहे हैं वो इस तरह के यूज लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली रहने देने वाला हूँ और ओके पर क्लिक कर देने वाला हूँ। अब सिंपली जैसे आप ओके पर क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे ड्रॉप शैडो आ चुका है। ड्रॉप शैडो वाले लेयर पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक ऑप्शन बटन पर क्लिक करना है। ऑप्शन बटन पर क्लिक करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आगे क्रिएट लेयर। क्रिएट लेयर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए आप देखोगे कि जो शेडो का है वो अलग से लेयर आ चुका है, वो ये वाला जो है वो लेयर है शेडो का। ये देखिए अब ये अलग से लेयर आ चुका है। यदि आप डायरेक्ट क्लिक कर देते हो तो क्या होगा कि ये जो शेडो है वो जैसे ओके करते हो गायब हो जाएगी, ब्लाइंडिंग ऑप्शन से हट जाएगी, और हटेगी भी नहीं तो इतना आ जाएगी, तो ये सरक कर इस तरह से बाहर अंदर बाहर नहीं हो पाएगी। इसके जो यहाँ पर, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं थोड़े एक्स्ट्रा है, आप इनको रहने दीजिए, कोई हमें इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इमेज के साथ भी थे, क्योंकि जब मैंने कटिंग की थी था तब वहां पर रह चुके थे। तो अब आपको शेडो के लिए क्या करना है, इसका जो एक पाँव तो यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि फोटो पर ही रहता है एक पाँव, सिंपली आप देखते हो। और अब इससे क्रिएट करना है, तो सिंपली ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करके कंट्रोल टी कर देते हैं, और कंट्रोल टी करते हैं, और कंट्रोल टी करने के बाद में क्या करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। तो छोटा तो हम इस तरह से कर देंगे, लेकिन यार ये तो बात बनी नहीं, हमें शेडो तो साइड में चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल को प्रेस करते हुए रखना है, और कंट्रोल को प्रेस करते हुए रखते हुए इस कॉर्नर पर क्लिक करना है, और कॉर्नर पर क्लिक करते इस तरह से आपको क्या करना है, इसे बाहर लेकर आना है, इस तरह से, इस तरह से आपको इसको नीचे की तरफ बाहर लेकर आना है। और इसके जो पाँव है उसके पाँव से टच रखिए, और इस वाले को थोड़ा जो है इस तरह से आपको क्रिएट करना है। और इस तरह से आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि किस तरह की इसकी परछाई बननी चाहिए थी। ये बात आपको खुद को ही दिमाग लगा कि आपका माइंड यूज करके आपको देखनी होगी किस तरह से इसकी परछाई बननी चाहिए वास्तव में। तो इस तरह से देखिए, मान लीजिए इसकी परछाई इस तरह से बनेगी, और कुछ इस तरह से बनेगी, जो ज्यादा बारीकी से मैं यहाँ पर जाने नहीं वाला। और ये देखिए इस तरह से इसकी परछाई बन जाएगी, और जो एक पाँव है उसके पास में रहेगा, छाया से सटकर चलती है हमेशा की हमेशा, आप भी जानते हैं। और इस तरह से जो इसकी परछाई बनेगी, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करते हैं ये देखिए इस तरह से आ चुकी है, और इसको थोड़ा सा पास में और ले लीजिए। इस तरह से आप शेडो है बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। एक बार यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इमेज की जो परछाई थोड़ी बहुत जो है ओवर हो रही है, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ब्लर कर देना है। ब्लर करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ से फिल्टर पर जाना है, और फिल्टर पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली इस ब्लर पर क्लिक करना है। ब्लर पर क्लिक करते इस तरह से ऑप्शन आएगा, और ऑप्शन के बाद में आपको क्या करना है, गॉर्जियस ब्लर पर, इस पर गॉर्जियस ब्लर पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने आएगा, इसको आप थोड़ा मिनिमाइज कर लीजिए, ताकि आप परछाई को जो अच्छे से देख पाए इस तरह से। और इसको देखकर आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप चाहे उस हिसाब से जो इसको बुलर वगैरह कर सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ी ज्यादा हो गया, ये देखिए ओवर हो रहा है, तो इस तरह से आप कर लीजिए, इतना रखने देता हूँ मैं। और ये देखिए एकदम अच्छी क्रिएट जो है शेडो है, जो इसकी क्रिएट हुई है बहुत ही अच्छी है, लग रही है। तो इस तरह से आप शेडो को जो है क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आप किसी बैकग्राउंड पर क्रिएट करते हैं, तो चलिए वहां पर भी जाकर मैं आपको बता देता हूँ। इसको एंटर कर देते हैं,
और लेयर पर चलते हैं और इसको वहां पर लेकर चलते हैं लेयर पर और यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और कंट्रोल टी करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉप शेडो फिर से डालना नहीं बताऊंगा, थोड़ा बैकग्राउंड जो है मेरे पास अच्छा तो नहीं है अभी, लेकिन समझाने के लिए मैं यही यूज ले रहा हूँ। तो आप पेड़ों की परछाई देखकर समझ जाइए कि इस तरफ इसमें परछाई किस किस तरफ जाएगी। यदि इस रोड पर जो है दौड़ रही है, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर काफी अच्छी लग रही है, इस रोड पर यदि चलती है तो इसकी परछाई किधर जाएगी? पेड़ों की इस तरफ आ रही है ना, तो इस तरफ भी जो है इसकी परछाई जाएगी। इसको एंटर कर दीजिए, इसकी परछाई को भी मैं लेकर आता हूँ। कौन फिर से जो है इसको क्रिएट करेगा? और इस परछाई वाले को हमें क्या करते हैं, यहाँ से जा करके यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। और देखिए ये परछाई काफी जो है इस बैकग्राउंड के हिसाब से सुटेबल हो रही है इस तरह से। इन्हें बहुत ही कम हो रही है, तो क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा ब्लैक करना होगा। लेकिन अभी जो है मैं आपको इतना ही करके बताने वाला हूँ। इस तरह से देखिए, आप जैसे देखोगे यहाँ से आपको पेयर को करना है और कंट्रोल फ्रेश करना है, और कंट्रोल फ्रेश करने के बाद में इस तरह से आपको जो थोड़ा कर देना है, और कंट्रोल फ्रेश करते हुए क्या करना होगा, आपको इसको थोड़ा सा पास लाना होगा इस तरह से, इस तरह से। और इसको फिर से जो इसके पाँव को जो है इसके पास रखना होगा इस तरह से, इस तरह से। और इस तरह से देखिए ये इमेज एक चलती हुई इमेज के रूप में आपको दिखाई देगी इस तरह से। और इसकी जो छाया है वो काफी अच्छे से जो है क्रिएट हो रही है। यदि आपको छाया को थोड़ा बहुत और करना है तो क्या करना होगा, वहां से जब ओपेसिटी आप चेंज कर रहे थे तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ से देखिए ब्लाइंडिंग ऑप्शन का यूज करके आप नई के शेडो भी जो क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। और ड्रॉप शेडो पर आपको सिंपली क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। और ड्रॉप शेडो पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली इसका जो शेडो है जो बन चुका है, और अब इसके आप ओपेसिटी वगैरह देख सकते हैं इस तरह से। लेकिन अब जो आपका जो शेडो बन रहा है, सॉरी डिस्टेंस पर क्लिक कीजिए, तो जैसे आप अब इसका शेडो देख रहे हो वो शेडो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रीजन है क्योंकि मैंने शेडो वाली लेयर पर क्लिक करके बनाया था। तो चलिए दोस्तों इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और एक बार इस पर भी आपको क्या करता हूँ, शेडो क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी शेडो। तो इस तरह से ब्लाइंडिंग ऑप्शन का यूज कीजिए, ड्रॉप शेडो पर क्लिक कीजिए, और थोड़ा सा फास्टली चल रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने बता तो दिया है कैसे करते हैं। इस तरह से कर लीजिए और ओपेसिटी देख लीजिए, मेरे हिसाब से बैकग्राउंड के हिसाब से इतनी अच्छी रहेगी ताकि आपको दिख जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लेकर चलता हूँ। और सिंपली क्या करना है, साइज को जो है थोड़ा सा देखना है, मेंटेन कर लेते हैं इतना काफी है, और ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, सॉरी देखिए मैंने भी वही गलती कर दी, ओके पर क्लिक कर दी। और ओके पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना है, न्यू लेयर हमें बनानी है, क्रिएट न्यू लेयर से, और ओके कर देना है। और ये देखिए ड्रॉप शेडो का जो है आ चुका है, और इस तरह से देखिए शेडो बाहर निकल कर आ रही है आपके सामने। कंट्रोल टी करना है, इसका एक पाँव तो इसके सट कर चलना है, और दूसरे को क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से एक पेयर तो इसके सट कर। और अब कंट्रोल को फ्रेश रखते हुए क्या करना होगा, आपको इसको नीचे की ओर इस तरह से लेना होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको इस तरह से रहने दीजिए। और इस पर देखिए थोड़ा सा इफेक्ट डालने की कोशिश कीजिए आप इस तरह से, आप अपने हिसाब से आपको इसको मेंटेन करके चलना है। ये देखिए इस तरह से आप इसकी जो है शेडो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी शेडो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और भी जो है आप अपने हिसाब से इसको देखकर अच्छी डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये और हो रही है, तो मैं इस पर बुलर वगैरह रहने देने वाला हूँ, अभी कोई खास बुलरिंग मैं इस पर करने नहीं वाला हूँ। ये देखिए यदि बुलर वगैरह आपको जरूरत हो तो कीजिए, वरना कोई खास जरूरत नहीं है। इस तरह से जो आप इसकी शेडो जो है क्रिएट कर सकते हैं, इसकी जो परछाई है वो बना सकते हैं इस तरह से। देखिए काफी अच्छी आप अपने हिसाब से और क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो इसका एक पाँव है उसके पाँव से रखकर चले, क्योंकि परछाई आपकी जो बॉडी है उससे सटकर ही बनती है, उससे पास रहकर ही बनती है, इस तरह से नहीं बन पाएगी। कंट्रोल को फ्रेश रखते हुए क्या करना होगा, इस तरह से आप और अपने हिसाब से मेंटेन कर दीजिए, इस तरह से देखिए इसकी परछाई बनेगी, और एंटर कर दीजिए। और इस तरह से देखिए आप इसकी परछाई को देख सकते हैं ध्यान से, और इस तरह से आप भी परछाई जो है क्रिएट कर सकते हैं, शेडो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।